Ji, assalam alaikum everyone, it's Shoaib Khan and welcome to the masterclass 2 about ऑल अबाउट लिक्विडिटीज़ राइट सो काफ़ी टाइम से लोग जो है मुझे यू नो पुष्ट करे जा रहे हैं कि ये जो लिक्विटी बिल्डअप होते हैं लिक्विडिटी प्रोफाइल्स होती हैं लिक्विडिटी मार्किंग होती है ये किस तरीके से होती है और इसमें जो है एक बेसिक डिटेल वीडियो बना दें कि इसको किस तरीके से हम लोग इस्ट्रक्चर वाइज अप्रोच कर सकते हैं और क्या मामला हो सकें सो so, आज उस पर बात करेंगे एंड बिफोर वी स्टार्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लेट्स केयर स्टार्ट अच्छा जी फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्राइस एक्शन सीरीज़ में हमने जो है एक चीज़ पढ़ी है वो थी लिक्विडिटी प्रोफाइल एक चीज़ जो अक्सर आपने मेरे वीडियोस में देखी है वो है लिक्विडिटी बिल्डअप तो आज इनमें पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं इनफैक्ट सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि लिक्विडिटीज़ होती क्या है बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ को रख के चले कोई रॉकेट साइंस नहीं है लिक्विडिटी बेसिकली वो है कि जहां पे इतना पैसा या इतना वॉल्यूम या इतने ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं विच यू नो का अट्रैक्ट्स द प्राइस फ्राम इट्स करंट स्टेट राइट के आ, जैसे कि हम कहते हैं कि अभी फॉर सपोज़ प्राइस दो हज़ार पे खड़ी हुई है और दो हज़ार एक सौ पे लिक्विटी बिल्डअप हो रही है दैट मीन्स के प्राइस वहाँ जाने का वो रास्ता बन रहा है लेकिन क्या लिक्विडिटी को जानना सिर्फ काफ़ी होता है ऐसा नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी बेसिकली अगर आप मोनिटर कर पा रहे हो अगर आप टेप रीड कर रहे हो अपने चार्ट को या देख रहे हो कि ओके दिस इज वेयर लिक्विडिटी इज़ तो इट्स कान अ लाइक कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो एक जगह पर लोकेशन ए पर और लोकेशन बी जो है एक तरीके से आपका रेस्टोरेंट है जो कि लिकवडिटी है

फ़ायदा एक तरीके से किस तरीके से उठाना है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यह चीज़ हो गई कि लिक्विडिटी प्रोफाइल क्या होगी और लिक्विडिटी बिल्डअप क्या होगा सो so, चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं कि एमएल में मैंने इसकी काफ़ी जो है डिटेल्स मैंने बताई हुई है मैंटो लॉन्च में प्राइस एक्शन में आपको जो सबसे बेसिक मैंने चीज़ बताई कि एक प्राइस एक्शन इस तरीके से चल रहा हो एक लिक्विडिटी यहाँ पे एक मेंशन एक बड़ी कंसिडरेबिले है तो हम इसको लिक्विडिटी प्रोफाइल कहेंगे कि हम इधर प्रोफाइल कर रहे हैं लिक्विडिटी को और यहाँ पर एक स्टक आपके शॉर्ट्स हैं सॉरी लॉन्ग्स हैं जो कि स्टकअप हैं और प्राइस वहाँ से रिवर्सल हो गई तो इट विल बी यू नो कम बैक यहाँ पे प्राइस एक आपकी आएगी और इन लोगों को जो है वापस निकालेगी सो so, ये होती है लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग अब ये चलेगी एलटीएफ लाइक यू नो अगर हम बात कर रहे हैं वीकली टर्म में कि लाइक वीक का चार्ट है मंथ का चार्ट है या डे का चार्ट है तो उसमें डे जो है वो लोअर टाइम में आ गया एस कंपेयर के अगर थ्री डे वीकली मंथली या टू वीकली हम चार्ट देख रहे हैं लेकिन जब हम लिक्विडिटी बिल्डअप की बात करते हैं तो वो आपका प्योर एल्टी होता है कि लाइक थ्री आवर्स इन ब्लू की वो चीज़ होती है वो वन डे की चार्ट नहीं होती बिकॉज आपके ऑर्डर्स जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं और इट्स बी यू नो फ्लिपिंग लाइक अ स्विच तो आ, अब लिक्विडिटी बिल्डअप आप दो चार तरीकों से देख सकते हो यूजुअली आप ऑर्डर बुक में देखते हो ठीक है कि ऑर्डर बुक में क्या सिचुएशन बन रही है किस लेवल पे ज़्यादा जो है आपके ऑर्डर्स कंपाइल हो रहे हैं यू नो पायल अप चल रहे हैं और दूसरा जो लोग एक देखते हैं हीट मैप्स के थ्रू देखते हैं और क्योंकि वहाँ पर आपको पता तो लग जाता है कि भाई ये थ्रेश होल्ड लेट सपोज तीन सौ का और ये एक है यहाँ पे इधर बिल्डअप हो रहा है थ्री हंड्रेड जो भी आपका उधर सैनैरियो बन रहा है तीसरा जो मैं देखता हूँ वो मैं देखता हूँ प्राइस पे पर प्राइस एक्शन में वहाँ पे मुझे कहाँ इनिफिशेंसी दिख रही है चार्ट सिंपली मुझे क्या बता रहा है आई एम जस्ट गोन आई फॉलो दैट एंड ये जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ी डायनमिक होती हैं दे माइट गिव यू दी टॉपिंग एक तरीके से जो आपको टॉपर होता है वो भी इधर आते हैं और वो आपको रख पुल कर सकता है कि आपको दिख रहा हो कि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन एक्चुअली वो आपको सिर्फ पुल कर रहा है एक आपको तरीके से जो है इंड्यूसमेंट दे रहा है और यहाँ से आप लॉन्ग करेंगे और वो वापस आपको निचे की तरफ ले जाएगा तो यहाँ पे इन चीज़ों का डर रहता है कि ये चीज़ें इम्प्रिंटेड ऑन द प्राइस नहीं होती बट ऑन द वॉल्यूम और ऑन द डायनामिक इनफ्लो ऑफ द डेटा होती हैं तो ये दो चीज़ें इतनी जो है मुझे रास नहीं आती तो मैं इन दो को नहीं देखता मैं सिंपली देखता हूँ कि प्राइस इनफिशेंसीज़ का है और आपका जो है बेसिकली स्ट्रक्चर क्या बन रहा है सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगेन सिंपल लिक्विडिटी प्रोफाइल क्या है प्राइस सेक्शन में बहुत प्रोमिनेंट विक ऊपर की साइड पर या नीचे की साइड पर विच टाइन्स टू गेट फिल्ड ऑन अ हायर टाइम फ्रेम इधर बाय फुल और हाफ क्योंकि यहाँ पे एथिकल हारमोनी आपकी है ये आपकी कहलाती है लिक्विडिटी प्रोफाइल लिक्विडिटी बिल्डअप क्या होता है कि एल में कहाँ पर आपकी प्राइस इनएफिशेंसी है कहीं जहाँ पर प्राइस टेंट करेगी जाने का ठीक है सो so, ये दो डिफ्रेंसेज हैं एल पी वर्जिज़ में नोट्स बना लें और जो है अपना इस वीडियो को जो है दोबारा आके देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा क्या मामला है अब अब दूसरी एक चीज़ आती है कि जब हम रियल टाइम में आ गए ठीक है अब आपका स्ट्रक्चर चल रहा है प्राइस का तो यहाँ पर अब आपके पास दो तरीके की लिक्विडिटीज़ हैं एक जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ हैं जिसको हम सिंपली कहेंगे इंटरनल लिक्विडिटीज़ राइट और एक जो आपके स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ है उनको हम कहेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटीज ठीक है चार्ट पे अक्सर आपने मेंशन हुई भी मेरे देखी होंगी सो so, हम इन दोनों को इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे तो मोस्टली इसका जो स्ट्रक्चर बनता है एक तरीके से हारमोनिक के टाइप का ही बनता है इधर इस तरीके का या ऊपर एम की शेप में या डब्ल्यू की शेप में और उधर ही आपके पास प्रोमिनेंट जो विक्स होती हैं वो लिक्विडिटी आपकी वहाँ पर डिफाइंड बता रही होती हैं कि भाई पी जो है आपका वो इस जगह पे जा रहा है और ये इसके मामलात हैं तो उसकी कुछ मिसाल देख लेते हैं कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है सो लेट्स गो थ्रू दिस सबसे पहले इधर के चार्ट पे हम देख लेते हैं अब ये डेली का चार्ट है हमारे पास ठीक है यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे कि भाई एल अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो मेरे पास लिक्विडिटी प्रोफाइल इस जगह पर बन रही है ठीक है और एक बन रही है इस जगह पर राइट सो so, एम गोना मार्ग दिस एज लिकविडिटी है एम ऑल्सो गोना मार्ग दिस एज आ लिक्विडिटी अब आप कन्फ्यूज हो कि यार इधर प्राइस यहाँ पर जाएगी है यहाँ पर जाएगी ठीक है सबसे पहला सवाल हमें पता कैसा लगेगा कि भाई लिक्विडिटी पर जा कहाँ से आए तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हुए हो आपके पास पहले बनाए एक हाई दैन लोअर हाई दैन एक लोअर एक तरीके से लोअर लो low बनाए सॉरी दैन लोअर हाई फिर आपके पास लोअर लो low बनाए उसके बाद लोअर हाई बनाए एंड देन अगेन आपकी प्राइस जो है नीचे सस्टेन कर रही है ठीक है इक्वल लोज बने हुए इस जोन में दिस इज़ योर सप्लाई डिमांड के हवाले से जब आप इसको देखते हो तो यहाँ पे आपके पास एक बाइंग प्रेशर आ रहा है लेकिन प्राइस ने इधर देखें एक वीक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी छः वीक जो है आपका बाइंग प्रेशर ऊपर उठा रही है तो दैट मीन्स कि हम बाय बॉडी इधर तो रिवर्सल नहीं ले ले आ रहे राइट जो लिक्विडिटी ये थी जो लिक्विडिटी ये थी ये यहाँ पे सस्टेन हो चुकी ये पूरी इधर पिक हो चुकी तो आई एम नॉट गोना कंसीडर दिस आई एम गोना कंसीडर दिस एज अ लिक्विडिटी प्रोफाइल ठीक है अब स्ट्रक्चर वाइज जब मैं देखूँगा तो मैं उधर क्या करूँगा मैं उधर मार्क करूँगा अपने इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ मेरे स्ट्रक्चर में एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये है ठीक है सबसे ऊपर वाली लिक्विडिटी या सबसे नीचे वाली लिक्विडिटी लेकिन जब हम ऊपर की साइड पे देख रहे हैं तो हम नीचे वाली को मार्क नहीं करेंगे ठीक हो गया इस एल को भी मैं जो हूँ इंटरनल लिक्विडिटी कहूँगा क्योंकि ये मेरे स्ट्रक्चर के अंदर है ठीक है स्ट्रक्चर ऐसे देखो ये प्याले की तरह है ये इसके अंदर की साइड है ये बाहर की साइड है ठीक है ये बाहर की साइड है पूरी ठीक हो गया तो मेरे पास एक इंटरनल लिक्विडिटी ये है और मेरे पास जो दूसरी इंटरनल लिक्विडिटी है वो है ये वाली ठीक है बाय द वे ये आपका एक आ, जो है डेली का वो भी बन रहा है ये एक डेली का मार्केट मेकर मार्कर भी बन रहा है बट सिंस इसके पैरल ही हम इतनी लिक्विडिटीज़ ले चुके हैं सोम नॉट बी सेइंग के ये फुलफ़िल होगा या उस तरीके से तो यहाँ से शॉर्ट करना फ़िलहाल बेवकूफ़ी है कि जब देख रहे हो आपके पीछे आपका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैप कर चुका है तो अब फर्दर मोर हम इस पर आंटिसिपेट क्या करेंगे कि हमारे पास टारगेट क्या है कि भाई अगर एसल लगाना है तो मेरा एसल यहाँ पर है ठीक हो गया पहला टारगेट इंटरनल लिक्विडिटी दूसरा टारगेट ये इंटरनल लिक्विडिटी और तीसरा टारगेट एक्सटर्नल लिक्विडिटी नाउ हम बात कर रहे हैं डेली पे डेली पे होते हैं स्विंग्स इस्कार्पस नहीं होते यू गाट टू वेट फॉर दैट राइट सो एनी आगे चलते हैं देखते हैं प्राइस किस तरीके से एग करती है प्राइस चलना शुरू हुई स्ट्रक्चर आपका जो है आ, बेसिकली ये वाला मेनटेन ही है ठीक है इसको लूज नहीं करना प्राइज ने तो चलते हुए आते हैं यू गाटा रीटैप हेयर फर्दर मोर आगे आगे इसी स्ट्रक्चर पे आप गए देन एक आपके पास जो है एक इंटरनल लिक्विडिटी और इसने यहाँ पे जनरेट कर दी इन दमीर वाइल यहाँ पर ठीक है जो भी प्रोमिनेंट लिक्विडिटीज़ स्ट्रक्चर के अंदर होंगी वो इंटरनल लिक्विडिटीज़ के लाएंगी. आप इसको भी मार्क कर सकते हो ये भी आपकी इंटरनल लिक्विडिटी है ठीक हो गया नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट आपका मल्टीपल टाइम रीटेस्टिंग हो गई प्राइस गोज अप प्राइस गोज अप एंड इट क्लियर्स लिटरली ऑल दीज लिक्विडिटीज दीज थ्री लिक्विडिटीज़ इन अ वन गो वी कैन अ वेट फॉर दैट ये वाली इंटरनल लिक्विडिटी टैप आपकी हुई एंड देन सस्टेनिबिलिटी आपकी आ रही है एंड देन वहाँ से फिर आप साइड वे चलना शुरू हो जाते हो एक्सटर्नल जो होता है आपका वो आपका एक्सट्रीम लिमिट होती है स्ट्रक्चर की कि देखो ये तो आपका फिलहाल ए टी एच है ठीक है इस इस पूरे साइकिल का अगर आप बात कर रहे हो जाके ठीक हो गया तो अगर आप स्ट्रक्चर पे उस पर बात कर रहे हो यू आर कैन डन विद दैट इधर यू मूव एस एल इधर यू बुक 90 परसेंट ऑफ द प्रॉफिट कीप इट रनिंग वाट एवर जो भी है लेकिन जब आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपके हिट हो जाती है तो यू हैव टू एग्जिट हंड्रेड परसेंट मैं यूजअली क्या करता हूँ कि uh, मैं अगर इस तरीके से टारगेट कराऊँ लिक्विडिटीज़ तो जो क्लोजे सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट लिक्विडिटी होती है वहाँ पे मैंने टीपी अपना बुक कर लेना है अगर मेरा रिस्क मैनेज है ईवर इधर मेरा जो साइज़ है उसका पोजीशन साइज वो मेरा हाई हो बेशक मैं इसको यहाँ पे निकाल दूंगा आई एम डन विद दैट सिंपल इज दैट ठीक है सो दैट्स हाउ यू कैंड यूज़ इट ये आपके पास इधर की एक मिसाल थी एंड इफ यू सी इट इट कैन ए लुक्स लाइक अ बिग डब्ल्यू एंड दैट्स ऑल अबाउट इट सो एक मिसाल और लेते हैं आपकी पाउंड uh, की राइट right? अब पाउंड का जब आप स्ट्रक्चर इधर यहाँ पे देख रहे हो तो यू गॉट टू लुक एट दैट के अगेन सेम स्ट्रक्चर हमारे पास बनता हुआ आ रहा है एक प्रोमिनेंट वेक आइए हम नेम इट वॉट इंटरनल इक्विडिटी और बाय द वे देयर इज़ अ ईस्टर द इन देयर ये जो विक आपकी है ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन भी है ठीक है ये मैंने आपको बताया हुआ है जहाँ पे मार्केट शिफ्ट डायरेक्शन जो मैंने आपको बताई है प्राइस एक्शन सीरीज़ की वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो दिस इज वॉट वी कैन यू नो एम फॉर ये बाय द वे लेटेस्ट आपका चार्ट है सो इट्स अ रियली ग्रेट एग्जाम्पल ग्रेट 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 एग्जाम्पल सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट राइट नाउ ठीक है तो अंग्रमें मार्किंग दीज इंटरनल लिक्विडिटीज़ है और एक्सटर्नल क्या है इस पे आ लेकिन सबसे बाहर वाली ठीक है तो दिस इज़ आवर एक्सटर्नल लिक्विडिटी सेम जोन सेम प्राइस लोज बनाते हुए आइए और वी हैड अवर हाई we had our low, lower high, lower low, lower high, sustainable low, sustainable low, and then a recent, uh, you know, higher high. इस हवाले से हमारा अगर आप देखते हो तो ये एक हायर हाई high है तो क्या करेंगे भाई लौ के चक्कर में आप इस जोन को सस्टेन करोगे कि ये आपका ब्रीच ना हो यूलगुना पुट दी यू नो वट एवर दल यू वन put हेयर जो भी आपका एसएल है आप उस हिसाब से रखोगे मैं वैसे स्टॉप लॉस को इतना प्रेफर नहीं करता क्योंकि मैं रिस्क मैनेज करके अपनी पोजीशन साइज को जो है आ, वहाँ पे जिस तरीके से सस्टेन करता हूँ तो इट्स रियली नॉट माय कप ऑफ यू नो आप उसको समझो कि नॉट माय स्टाइल ट्रेड के हवाले uh, से सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ रखना है क्या मामला रखना है ऑल आई एम सीन के भाई ये स्ट्रक्चर जो आपका शिफ्ट हो रहा है ये इससे नीचे ना जाए और एल्स यू गोना अभी क्लोजिंग द ट्रेड वॉट जो भी आपका प्रॉफिट ए लॉस है जो भी इस पर कहा है ठीक है सो ये बैंड आपका जो है चक्कर ये इसमें आपने सस्टेन इस पर रखना है सो नेक्स्ट मूव ऑन आप करते हो यू कैन है गोज देअर लिक्विडिटी आप एक तरीके से फिल करते हो दैन यू हैव अ पॉजिटिव डे बाय द वे ये थ्री आवर का चार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो गया दैन साइड वेज साइड वेज साइड वेज अगेन साइड वेज दैन इंटरनल लिक्विडिटी एक हंट हुई दूसरी हंट हुई अब इस एक चीज में याद रखें कि जब भी आप इस स्ट्रक्चर से निकलते हो तो आप एग्रेसिवली ही निकलोगे देर इज़ नो यू नो लूक वार्म या पूप वार्म जो है ना आपके वो वॉल्यूम नहीं होंगे वो एग्रेसिव ही होंगे जैसे कि ईथर uh, में हमने देखा कि एकदम जो है uh, उसने दो या तीन जो लिक्विडीज जो है हंड करता हुआ निकला सेम पाउंड में भी हमने यही देखा कि उसने दो लिक्विडिटीज हंड करी लेटर uh, ऑन वापस थोड़ा सा उसने सस्टेन किया एंड देन लेट सी वॉट हैपन्क्स्ट अगेन प्राइस अफर्ड गई इंटरनल लिक्विडिटी अगेन यू नो कैश और यहाँ पर जाते जाते वी आर यू नो कमिंग बैक टू दिस लेवल अगेन नाउ वी आर सिटिंग हेयर ठीक है तो अगेन एक दो तीन आपकी जो इंटर लिक्विडिटीज़ हैं वो पूरी आपकी हो चुकी है एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपका एक्सट्रीम टारगेट होता है इवन कि अगर आप यहाँ से लॉन्ग कर रहे हो इस सस्टेनेबिलिटी के हवाले से कि भाई यहाँ पे प्राइस आपकी सस्टेन हो रही है हम अभी यू नो पुशिंग टवर्ड्स दैट तो यहाँ पर आप बुक कर लेते हो फॉर लाइक वीकेंड्स आपके क्लोज होते हैं तो भाई इतना आपने कमीशन उधर क्यों खिलाना है या इधर उतने अच्छा क्यों बनना है कि वो आपका वीकेंड पर कमीशन गायें प्राइस बुक करो आगे बढ़ो दैट्स ऑल अबाउट इट ठीक है सो so, अगेन समझाने के लिए लिक्विडिटी बिल्डअप को इनफिशेंसीज को स्ट्रक्चर को एक मिसाल और हम देख लेते हैं फिल की ठीक है अब ये चार्ट है वीकली का डेली पे हमने इधर को देख लिया थ्री आवर पे हमने देख लिया पाउंड को और अब वीकली पे हम देख रहे हैं फिल को अगेन स्ट्रक्चर आपका ऐसा ही चलता हुआ जा रहा है सस्टेनेबिलिटी टारगेट आपका क्या होगा अराउंड हेयर ठीक है इंटरनल uh, लिक्विडिटी आपकी कहाँ पर है भाई फर्स्ट यहाँ पर ठीक है सेकंड आपकी यहाँ पर ठीक है जो भी मार्क करना चाहें इसको मार्क कर लें आप या इसको मार्क कर लें जो भी है ये आपकी हो गई इस इस स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसको कह देते हैं ठीक है सो सेम रूल्स कहाँ पे दिख रही है भाई लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग मैंने करी है लेकिन मैं इस स्ट्रक्चर को देख के दैट्स वाई एम मार्किंग इंटरनल लिक्विडिटी के ये मेरा स्ट्रक्चर है भाई यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ ख़त्म हो रहा है ठीक है कोई इसमें चेंजिंग नहीं है कि लिक्विडिटी बिल्डअप मुझे कहाँ दिख रहा है अब मुझे बिल्डअप ये दिख रहा है बिकॉज आई एम सींग देयर अ प्राइस इनफिशेंसी देयर आई एम सींग दी Longs are stuck there, and there was a strong reversal from this point. There's a strong reversal from this point. There's a strong reversal from this point. So, there must be you know longs stuck there, waiting to get out. So, price is gonna be come back here. Price is gonna be you know uh, refreshing all those ethical harmonies, and that's how it is. So, same structure is being stabilized here, and uh, we're gonna move forward. राइट वीकली का चार्ट है हमने सिर्फ ये देखना है कि भाई स्ट्रक्चर जो है आपका मेजर वहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है uh, दो आपके कैंडल्स हुई तीन आपके कैंडल्स स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव जो है होना शुरू हुआ एक आपको एग्रेशन जो है यहाँ पे दिखना शुरू हुई एंड देन फर्दर मोर हम इंक्रीज इज स्पीड ओके सो पहली लिक्विडिटी आपकी हंट हुई राइट अगेन वही वाली बात के चीज़ एग्रेसिवली होगी हल्के से बिल्कुल जो है वो लूक वाम जो है आपका वो नहीं आएगा रिस्पॉन्स फर्दर मोर आप जाते हो हम गा इंक्रीज दिस ताकि ये दिख जाए यहाँ पे राइट right, सो so, अब जब प्रॉफिट में आ गए टीपी बुक हो रहे हैं वॉट जो भी सिनेरियो है आपका और अगेन uh, एक एग्रेशन आई इंटरनल लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे हंट हुई फर्दर मोर वापस आए रिट्रेस किया ऑर्डर दोबारा पिक हुए वापस आए रिट्रेसमेंट्स वगैरह जो भी हुई आपकी एंड

एंड uh, कहीं से भी आप इस जगह से आपने लॉन्ग किया है कुछ भी किया है तो दैट्स लाइक ऑलमोस्ट टू सिक्सटी फोर परसेंट या हल्की उसमें जबान में टू पॉइंट सिक्स एक्स जो है आपका पोर्टफोलियो का हुआ एंड यू आर कैंड आउट ऑफ इट कोई इसमें इंडिकेटर्स uh, नहीं है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ऐसी कोई इसमें कहानी ऐसी नहीं है एंड दैट्स ऑल अबाउट इट्स वो जब मैं चार्ट शेयर करता हूँ इस पर आप लोगों को तो मैं जो हूँ उधर अक्सर लिक्विडिटी बिल्डअप को मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ ठीक है क्योंकि वहाँ पे डायनामिक्स आपके चल रहे होते हैं मैं जो आपको ट्रेड दे रहा हूँ उधर या मैं जब आपको ट्विटर पे उधर बता रहा हूँ करके जो भी स्नैरियोज़ हैं ओ बाय द वे टॉकिंग अबाउट दी स्नैरियोज़ हेयर एम में जो है मैंने काफ़ी चेंजेस वगैरह कर दिए हैं सो हेयर वी आर ट्रेड रूम में अब जो है हमारी स्कार्पस ऑन द डेली बेसिस जो है आती हैं फॉरेक्स कॉर्नर में भी आपको सेटअप्स आते हैं मैंटो बाय शेप में जो है आपको सारा वो स्नैरियोज़ mm -hmm. मिल जाते हैं यू हैव लाइक ट्रेड टॉक देयर जहाँ पर सारी जो है आपको ट्रेड के हवाले से जो भी न्यू uh, भीज आते हैं जो भी एमेचर्स हैं उनको एक तरीके से गाइड किया जाता है सेशन होते हैं हमारे वी आर स्टिल यू नो आग ऑन लॉन्ग टर्म बैग बुल रन बाइंग आपकी जो भी चार्ट टॉक्स वगैरह जो भी लोग सीखना चाहते हैं सो इट्स लाइक अ कम्यूनिटी देयर और राइट जहाँ पे एक सिर्फ ये आपकी जो है चीज चेंज करना है कि भाई हम सिर्फ uh, जो भी कोई किसी ग्रुप में जाते हैं या जो भी किसी मामले उस पर जब हम जॉइन करते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको जो है वहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना है वी हैव टू मेक यू केपेबल इनफ के आप चार्ट को देख लो आप आके उधर क्वेरीज लो आप अपडेट्स में ही जो है सेटअप निकालो एंड पीपल आर डूइंग लिटरली अमेजिंग जॉब मेरी अपडेट आती है कुछ आती है एंड दे बी लाइक ओके यू नो आई एम नोट अमेंट फ्रॉम देयर हेयर वी आर गोल्ड की अपडेट आई दे कैन ए मेटेड बी टी सी की अपडेट आई देटेड यू नो अदर सिग्नल्स एन ऑल दैट तो इसमें ये वो ट्रेड्स होती हैं जो कि लोग इंडिपेंडेंटली भी ले रहे होते हैं और यू uh, नो you know, एक जो उनको गाइडेंस सारी मिल रही होती है उस हवाले से जो है एक बहुत अच्छा एक सन्हरी हो जाता है कि uh, सीख भी रहे होते हैं पैसा भी कमा रहे होते हैं और ये एक पीस ऑफ माइंड होता है कि यार वी आर अंडर मैंटोरशिप मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि दिल गुना भी यू नो सरप्राइजिंग अस और यू नो रक पुलिंग सो दैट्स ऑल अबाउट इट्स सो मास्टर क्लास टू यहाँ पे वाइंड अप करते हैं कोई भी क्यूरीज हों कोई भी मामला हो इस वीडियो को जाके देखें प्रैक्टिस करें एम एल में आएँ पूछें और लाइफ को चार्ट को चीज़ों को बहुत सिंपल रखें दैट्स वन हम से एंड या सरप्राइज यू हम सी यू सून अल्लाह हाफिज़